हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीप पटेल है और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, बुर्ज खलीफा का निर्माण 2004 में शुरू हुआ और 2009 में पूरा हुआ था। बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ, आर्किटेक्चर फर्म स्किडमोर ओविंग्स एंड मेरिल कंपनी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर और मेन कॉन्ट्रैक्टर साउथ कोरिया की सैमसंग CNT कंपनी है। हेदर कंसल्टिंग को NORR ग्रुप के साथ इंजीनियर के रूप में चुना गया था ताकि बिल्डिंग के वास्तुकला की देखरेख की जा सके। फैक्ट नंबर टू, बुर्ज खलीफा की कुल ऊंचाई 829.8 मीटर है, लेकिन एंटीना की ऊंचाई को छोड़कर 828 मीटर है। इस इमारत का मूल नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर अबू धाबी के शासक और UAE के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहयान के नाम पर रखा गया। फैक्ट नंबर थ्री, बुर्ज खलीफा में एक क्लैडिंग सिस्टम है जो दुबई के गर्मी के तापमान का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। बुर्ज खलीफा की एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऊपरी के मंजिलों से हवा खींचती है, जहां हवा जमीन की तुलना में ज्यादा ठंडी और स्वच्छ होती है। बुर्ज खलीफा की ट्यूबुलर सिस्टम के कारण एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तुलना में अधिक मात्रा में स्टील का उपयोग किया गया है। फैक्ट नंबर फोर, बुर्ज खलीफा में ग्राउंड फ्लोर से 160वीं मंजिल तक 2909 सीढ़ियां है और 57 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर है। बुर्ज खलीफा की लिफ्ट में प्रति केबिन 12 से 14 लोगों की कैपेसिटी है और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। फैक्ट नंबर 5, बुर्ज खलीफा के शिखर को 4000 टन स्टील से बनाया हुआ है। सेंट्रल शिखर पाइप का वजन 350 टन और ऊंचाई 244 मीटर है। शिखर के बिना बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 585 मीटर है। CTBHU की एक काउंसिल में बताया गया था कि बुर्ज खलीफा का शिखर अपने आप में एक बड़ी बिल्डिंग के बराबर है और ये यूरोप की 11वीं सबसे ऊंची इमारत के बराबर होगी। फैक्ट नंबर 6, बुर्ज खलीफा की 24,348 खिड़कियों को तोड़ने के लिए 3 हॉरिजॉन्टली ट्रैक है, जिसमें 1500 केजी के बकेट मशीन है। बिल्डिंग के टॉप पर बाहर की तुलना में 6 सेल्सियस तापमान ज्यादा ठंडा होता है। अरमानी द्वारा एक 304 कमरों वाली होटल निचले 39 मंजिलों में से 15 मंजिलों पर स्थित है। फैक्ट नंबर 7, बुर्ज खलीफा को विमान की टक्कर से रोकने के लिए उच्च तीव्रता वाले ज़ेनन व्हाइट ऑब्स्ट्रक्शन लाइट से लेस किया गया है, जो प्रति मिनट 40 बार फ्लैश होती है। इस रोशनी की चमक दिन के माध्यम से बदलती रहती है। फैक्ट नंबर 8, बुर्ज खलीफा 27 एकड़ पार्क से घिरा हुआ है, जिसे SW ग्रुप द्वारा डिजाइन किया गया है। पार्क की डिजाइन एक रेगिस्तानी पौधे हिमेनोकेलिस पर आधारित है। पार्क के सेंटर में एक वाटर रूम और फाउंटेन चैन भी है। फैक्ट नंबर 9, बुर्ज खलीफा के बाहर WT एंटरप्राइज द्वारा $217 मिलियन की लागत में एक फाउंटेन सिस्टम डिजाइन की गई है, जिसमें 6600 लाइट और 50 रंगीन प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह 270 मीटर लंबा और हवा में पानी को 150 मीटर तक शूट कर सकता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरियोग्राफ फाउंटेन है। इस फाउंटेन में शास्त्रीय से लेकर अरबी और अन्य म्यूजिक भी बजते हैं। MR प्रॉपर्टीज द्वारा आयोजित कॉन्टेस्ट से इस फाउंटेन को द दुबई फाउंटेन नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 10, बुर्ज खलीफा में एक आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक है, जिसे द टॉप के नाम से भी जाना जाता है। ये 124वीं मंजिल पर है, जो 452 मीटर ऊपर है, लेकिन बाद में इसे कैंटोन टावर के 488 मीटर ऊंचे ऑब्जर्वेशन डेक द्वारा पार कर लिया गया। उसके बाद बुर्ज खलीफा ने 148वें फ्लोर पर अपना दूसरा ऑब्जर्वेशन डेक खोला, जिसकी ऊंचाई 555 मीटर थी, लेकिन बाद में 562 मीटर की ऊंचाई के साथ शंघाई टावर पर ऑब्जर्वेशन डेक खोला गया। बुर्ज खलीफा के ऑब्जर्वेशन डेक पर एक टेलीस्कोप भी है, जिससे आसपास का व्यू देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा ऑब्जर्वेशन डेक्स के मामले में आज तीसरे नंबर पर है। फैक्ट नंबर 11, बुर्ज खलीफा की वाटर सिस्टम में 100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है,
जिसके माध्यम से 946,000 लीटर पानी का सप्लाई होता है। इस इमारत में पानी को एक कंडेंसर कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से एकत्र किया जाता है और इस पानी का उपयोग नजदीकी पार्कों में सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक कूलिंग सिस्टम से कलेक्ट हुए पानी को प्लांट्स को पिलाया जाता है और ये सिस्टम हर साल 6,80,00,000 लीटर पानी प्रदान करती है। फैक्ट नंबर 12, बुर्ज खलीफा बनाने के लिए 12,000 से ज्यादा लोगों ने काम किया था। इसमें 39,000 टन टाटा का स्टील रेबार और 3,30,000 मीटर क्यूब कंक्रीट का उपयोग किया गया था। बुर्ज खलीफा बनाने में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम का कुल वजन 5 A380 विमानों के बराबर था। फैक्ट नंबर 13, पूरी तरह से खाली बुर्ज खलीफा का कुल वजन 5,00,000 टन से। बुर्ज खलीफा में 17,000 से ज्यादा दरवाजे, जिसमें एक स्पेशल स्मार्ट विंड ट्रैकिंग डिवाइस है जो हमें इंडिकेट करता है कि उन्हें खोलने के लिए हवा की स्थिति सुरक्षित है या नहीं। फैक्ट नंबर 14, बुर्ज खलीफा की नोक को 95 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। बुर्ज खलीफा में 35,000 लोग रह सकते हैं। बुर्ज खलीफा का ग्राउंड वर्क पूरा होने के एक साल लगने के बाद पहले 100 फ्लोर 1093 दिन में बने थे। इसका मतलब एक फ्लोर बनाने में 3 दिन। बुर्ज खलीफा के निर्माण में उपयोग हुए कंक्रीट का कुल वजन 1,00,000 हाथियों के बराबर था। फैक्ट नंबर 15, बुर्ज खलीफा के 124वें फ्लोर की ऊंचाई मलेशिया के पूरे पेट्रोनस टावर की ऊंचाई के बराबर है। बुर्ज खलीफा में 3,000 अंडरग्राउंड पार्किंग बेस है। बुर्ज खलीफा के 123वें फ्लोर पर दुनिया की सबसे ऊंची लाइब्रेरी है। बुर्ज खलीफा के निर्माण पर नेशनल जियोग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है जिसका नाम बिग बिगर बिगेस्ट है, जिसके 3 सीजन है। फैक्ट नंबर 16, बुर्ज खलीफा के नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड यह भी है कि 2011 में एलन रॉबर्ट उर्फ फ्रेंच स्पाइडरमैन ने सिर्फ 6 घंटे में बुर्ज खलीफा की टोच पर पहुंच गए थे। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए 45 डिफरेंट टाइप्स के पत्थरों का उपयोग किया गया है। फैक्ट नंबर 17, बुर्ज खलीफा में ऑब्जर्वेशन डेक तक ले जाने वाली लिफ्ट के लिए स्पेशल साउंड ट्रैक तैयार किए गए हैं। 2014 के अंत तक ऑब्जर्वेशन डेक की लिफ्ट द्वारा की गई यात्रा पृथ्वी के सर्कल से 8 गुना ज्यादा थी। बुर्ज खलीफा में हर स्काई लॉबी में स्पा की तरफ जाने की गैलरी में ग्लास और लाइट्स का उपयोग करके ऐसी संरचना बनाई गई है जो हमें पानी पर चलने की फीलिंग देती है। फैक्ट नंबर 18, बुर्ज खलीफा के टॉप को एक क्रू द्वारा साफ किया जाता है जो ऊपर आने जाने के लिए रस्सियों का उपयोग करते हैं। बुर्ज खलीफा के बाहरी हिस्से को साफ करने के लिए 3 से 4 महीने का समय लगता है। फैक्ट नंबर 19, कुछ मशीनें बिल्डिंग के सबसे ऊंचे 27 मंजिलों और कांच को साफ करती है जो मेलबोर्न में बनाई गई है और इन मशीनों की कीमत $8 मिलियन है। फैक्ट नंबर 20, 8 फरवरी 2010 को पावर सप्लाई प्रॉब्लम्स के चलते ऑब्जर्वेशन डेक को 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। एक बार एक पर्यटकों का समूह एलिवेटर में 45 मिनट तक फंस गया था, इसलिए जब विजिबिलिटी ज्यादा होती है तब लोगों को मंच के ऊपर से ईरान के तटों को देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा में 900 प्राइवेट रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है जो मार्केट में आने के 8 घंटे के भीतर बेच दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कुछ बातें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।